दोस्तों आइए देखते हैं कि हम लोग गाड़ियों में जो गियर चेंज करते हैं वो कैसे चेंज होता है, कैसे गाड़ियों की गियर चेंज करने की वजह से उसका स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता है, इसको हम 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये पिस्टन है और पिस्टन से ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, ठीक है। पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है और ये कैमशाफ्ट रोटरी मोशन। दोस्तों हम सभी अपने लाइफ में फोर व्हीलर चलाया ही होगा, अगर चलाया नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखा तो जरूर होगा। गाड़ियों की स्पीड को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए गियर चेंज करना पड़ता है। हम जैसे ही गियर चेंज करते हैं, कम गियर रखते हैं तो स्पीड स्लो होती है, ज़्यादा गियर रखते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। कम गियर में फ्यूल ज़्यादा कंजप्शन होता है और ज़्यादा गियर में क्या होता है, स्पीड तो फास्ट होती है और फ्यूल कंजप्शन भी एवरेज में होता है। आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है, इसके 3D डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो मोशन है, ठीक है, ये मोशन आता है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन से। पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रैंकशाफ्ट उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ये क्रैंकशाफ्ट का मोशन ड्राइव शाफ्ट में जाता है। ड्राइव शाफ्ट में जाने से पहले इसको बहुत सारे गियर्स के थ्रू कनेक्टेड किया जाता है, मीन्स गियर के थ्रू पास होता है। इन गियर्स को जैसे ही देखिए, ये जो क्लच है, ये क्लच को जैसे ही हम देखिए बीच में है, ये न्यूट्रल में हुआ, ये रिजर्व रिवर्स में आया तो हम लोग रिवर्स कंडीशन में। देखिए ये एक नंबर गियर पर गया, क्या कर रहा है ये इसके साथ कनेक्टेड है। देखिए जैसे हम गियर चेंज करते तो होता क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे हम गियर चेंज करते हैं तो ये क्या करता है, इसको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसका कनेक्शन जो होता है इससे होता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, जैसा हम लोग मूवमेंट करते हैं उस प्रकार के गियर में ये जाके बैठ जाता है, मतलब उसके खाँचे में बैठ जाता है और उसको पुश करता है। जैसे ही पुश करेगा इसके अंदर जो प्लेट लगा होता है उसको वापस गियर चेंज करते हैं और उसके बाद में क्लच को छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट सबको मिलती रहे।